हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईफोन 15 के बारे में, जो कि रिसेंटली एप्पल ने लॉन्च की है अपनी आईफोन 15 सीरीज। आईफोन 15 प्रो के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईफोन 15 के बारे में। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो कहीं से भी पसंद आती तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अनबॉक्सिंग की बात की जाए तो बॉक्स के अंदर आपको आपका स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। इस बार बॉक्स के अंदर सबसे बड़ा चेंज ये किया गया है कि इस बार बॉक्स के अंदर आपको लाइटनिंग केबल की जगह टाइप सी टू टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस बार आईफोन 15 सीरीज़ जो है वो टाइप सी के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। तो बैक साइड के ऊपर आपको ग्लास देखने को मिल जाता है एल्युमिनियम फ्रेम के साथ। यहाँ पर आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो डिज़ाइन वैसा ही है, डिज़ाइन के अंदर एप्पल ने इस बार ज़्यादा चेंज नहीं किया गया। फ्रंट के ऊपर चेंज किया गया है, क्योंकि इस बार आपको फ्रंट के ऊपर बेजल्स काफ़ी कम देखने को मिलते हैं पहले से, और साथ ही साथ यहाँ पर इस बार आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलता है, जो कि आपको आईफोन 14 प्रो सीरीज़ के अंदर देखने को मिला था। वही डायनेमिक आइलैंड आपको इस बार आईफोन 15 के अंदर देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको काफ़ी कम बेजल्स देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.1 इंचज़ का सुपर रेटिना HDR OLED पैनल है, जो कि HDR 10 प्लस की सपोर्ट के साथ आता है। यहाँ पर आपको 1000 निट्स की नेटिव ब्राइटनेस देखने को मिलती है, और इसकी पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स तक जा सकती है। इसके साथ इसके अंदर आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिरेमिक शील्ड की यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये 60Hz वाला पैनल है। एप्पल ने अभी तक अपनी नॉन प्रो सीरीज़ के अंदर कोई भी आपको 90Hz या 120Hz नहीं दिया, जो कि काफ़ी बुरी चीज़ है। अभी एप्पल को जो है अभी तो 90Hz एटलीस्ट स्मार्टफोन के अंदर आपको देना चाहिए था। तो डिस्प्ले आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। एप्पल सिर्फ अगर यहाँ पर 90Hz या 120Hz दे देता तो और बेटर हो सकता था। यहाँ पर अगर स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस पार्ट की बात की जाए तो iOS 17 के साथ यहाँ पर आपको A16 बायोनिक चिप देखने को मिलती है। ये वही चिप है जो आप iPhone 14 Pro Max के अंदर देखने को मिली थी। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और परफॉर्मेंस बूस्ट यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है गेमिंग वगैरह भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर iPhone पहले 6GB रैम देता था, लेकिन इस बार यहाँ पर आपको 8GB की रैम देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस वाली साइड से यहाँ पर आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये स्मार्टफोन आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी अच्छी होने वाली है। कैमरा सेटअप की बात की जाए तो बैक साइड के ऊपर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर इस बार मेन सेंसर को बढ़ाकर 48 मेगापिक्सल कर दिया गया है, जो कि आईफोन 14 प्रो सीरीज़ के अंदर में देखने को मिला था। वही कैमरा सेंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, साथ में यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है। और इस बार यहाँ पर आपको जो है मेन कैमरा के अंदर डिजिटल जूम देखने को मिलेगा, जिसको एप्पल टेलीफोटो लेंस बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी टेलीफोटो लेंस देखने को नहीं मिलता। वो मेन कैमरा को जूम करके आपको पोर्ट्रेट शॉट्स जो है वो प्रोवाइड कर देता है। ऊपर आपको 12 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो ये स्मार्टफोन आपको फ्रंट और बैक से 4K 60fps का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इस स्मार्टफोन के अंदर जो है आपको काफ़ी अच्छे कलर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। वीडियोस के अंदर तो ये सबसे अच्छा स्मार्टफोन होगा इस प्राइस का, लेकिन यहाँ पर आपको फोटोज़ के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम एप्पल के अंदर शुरू से रही है डायनेमिक रेंज की, जो कि आईफोन 12 सीरीज से स्टार्ट हुई थी। तो वो यहाँ पर आपको देखते हैं एप्पल ने उसको किस तरह से इंप्रूवमेंट की है उसके अंदर। तो बाकी कैमराज यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। बैटरी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 3349 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ में यहाँ पर आपको टाइप सी की वायर चार्जिंग देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर एग्जैक्ट कितने वाट की वायर चार्जिंग दिखाई मिलती है वो यहाँ पर एप्पल ने नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर एडवर्टाइज ये किया गया है कि ये स्मार्टफोन आपके स्मार्टफोन को 50% 30 मिनट के अंदर चार्ज कर देगी। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पर चार्जिंग स्पीड आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी मैगसेफ की वायरलेस चार्जिंग और यहाँ पर ओवरऑल जो वायरलेस चार्जिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, और फेस आईडी की सपोर्ट जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। मार्केट के अंदर आईफोन 15 आपको 80,000 का देखने को मिल जाएगा, जबकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर स्मार्टफोन की प्राइसेस ज़्यादा रहने वाली हैं। तो वो तो जब स्मार्टफोन के यहाँ पर आएगा तभी टैक्सेस कितने अभी पीटीए रखता है, और ओवरऑल जो है चीज़ें वो जब पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होगा तभी पता चलेगा। बाकी आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।